हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट प्राइमरी परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो आपने कहते हुए सुना हुआ कि रात्रि के समय हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो इसका यह मुख्य कारण माना जाता है कि हमें रातों को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है पारे का घनत्व अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने पारा द्रव अवस्था में धातु है। नेक्स्ट है आपका, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसमें आपको बताना है कि बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पारा जो होता है वो उसकी सबसे पहली चीज तो वह एक चमकीला पदार्थ होता है और दूसरा वह आपका शीशे पर चिपकता नहीं है और उसको हम जो बैरोमीटर का तला होता है उस पर हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा कि बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अम्लीय फल केला मछली, दूसरा ऑप्शन है आपका अम्लीय फल मटर नट्स बादाम आदि, तीसरा ऑप्शन है अनाज केला मक्खन और फोर्थ ऑप्शन है आपका फलियां दालें मछली। तो जो आपको रीना है उसको अगर अपने वर्तमान आहार से संबंधित जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। विशेष रूप से उसको आपको अनाज केला और मक्खन का सेवन करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट पर लिखती है। पहला ऑप्शन, इसमें आपके तीन पॉइंट्स दे रखे हैं यानी उसके बाद इसका उत्तर पूछेगी। इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए यानी जो खाद्य भंडारण हेतु कुछ उसने पॉइंट्स लिखे उसमें पहला पॉइंट है कि इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है यानी तीसरा इसमें जो पॉइंट दे रखा है, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकौड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। अब आपको यह बताना है कि जो शिक्षिका है वह शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है सब्जियों के बारे में, दूसरा ऑप्शन है दूध के बारे में, तीसरा ऑप्शन है गुड़ के बारे में और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने मांस। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा गुड़, यानी जो शिक्षिका है वह आपका गुड़ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है कि गुड़ को पदार्थों को जो गुड़ को नमी से दूर रखना चाहिए, गुड़ को हमें बंद डिब्बों में रखना चाहिए और इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े और चूहों से इसकी रक्षा की जा सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा गुड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है यानी जो आपकी वृक्ष की हमें आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, दूसरा है वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा है वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना और फोर्थ है वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो अगर हमें किसी
वृक्ष की आयु ज्ञात करनी है तो उसकी सबसे अच्छी जो विधि है वह है आपकी कि उसके हम जो वृक्ष के जो बलय हैं उनकी संख्या को, वार्षिक बलय जो होते हैं उसकी संख्या को हम ज्ञात कर लें। यानी जो ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ों में बलय जो बन जाते हैं इससे उसकी जो आयु होती है उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि हमें उसकी वार्षिक बलयों की संख्या को ज्ञात करना चाहिए। यह वृक्ष की आयु को ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। नेक्स्ट है आपका, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है। तीसरा ऑप्शन है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन हैं, उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग है। तो इसमें आपको बताना था कि जो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में जो आपके चार पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्सों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, यानी असत्य कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए कि मिट्टी व जो जल है वह दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, उनका संरक्षण के उपाय की आवश्यकता नहीं होती, यह हमारा असत्य कथन है। हमें मिट्टी और जो जल होता है उसके भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते या हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? पहला ऑप्शन है, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। नेक्स्ट है आपका, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। उसके बाद ऑप्शन है तीसरा, पहले उबालना फिर ठंडा करना। और फोर्थ है आपका, बहुत ठंडा करना। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन होगा कि पहले गर्म करना फिर ठंडा करना, यानी जो चाकू पर लकड़ी के जो दस्ते बनाए जाते हैं या हैंडल बनाए जाते हैं या लगाए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो लोहे के चाकू होता है उसको लगाने के लिए सबसे पहले लोहे को गर्म किया जाता है, इसके बाद गर्म लोहे को लकड़ी में लगाकर पानी में ठंडा किया जाता है। यानी आपका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, पहले गर्म करना फिर उसे ठंडा करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजकल पाठ्यसागामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजन को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। दूसरा है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन होगा, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। यानी आजकल क्वेश्चन नंबर 8 है कि आजकल जो पाठ्यसागामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा आयोजन जो पाठ्यक्रम में दिया जा रहा है इसको एक विद्यार्थी के रूप में आप क्यों लेना चाहेंगे? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। यानी जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना है वह एक पाठ्यसागामी के रूप में जो विद्यालय में बच्चे लेते हैं, यानी मैं उसको लूंगा, यानी एक विद्यार्थी के रूप में मैं उसको लूंगा, तो इसे क्यों लूंगा? क्योंकि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? पहला ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। और फोर्थ है, ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र जल ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि जो पराबैंगनी किरणें हैं
वह जब उनकी मात्रा ओजोन परत का क्षरण होगा तो ओजोन परत के क्षरण के कारण जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में उसकी सतह तक पहुंचने लग जाएंगी। यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? पहला ऑप्शन है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्रगति का पता चलता रहेगा। दूसरा है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो एक अभिभावक के रूप में बच्चों का गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपके बच्चे हैं बच्चों की प्रगति के बारे में आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। नेक्स्ट है ऐसे स्तर पर पढ़ाना, ऐसे स्तर तक पढ़ाना कि विद्यार्थी पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। तीसरा ऑप्शन है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बहुत कम शिक्षण करना। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो ऑप्शन है वह सही है। जो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह अधिगम को छोटे छोटे खंडों में बांटता है और इससे बच्चों के अंतर्गत जो अवधारणात्मक जो समझ होती है वह आसानी से विकसित हो जाती है। यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न तत्वों में से किस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपका सल्फर और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बन। तो यानी आपको इनमें बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा कि कार्बन। यानी जो आपके कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो सामान्य तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले यौगिक जो होते हैं, जिसमें आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होता है। यानी जो ये हमारे जो शरीर है शरीर के निर्माण करने के लिए और जो जटिल यौगिक होते हैं उनका निर्माण करने के लिए हमारे जो प्रोटीन होती है वह शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। यानी जो आपका कक्षा में जो प्रजातांत्रिक जो वातावरण होगा तो उसकी क्या भूमिका होगी? पहला ऑप्शन है आपके सामने विद्यार्थियों की बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में अपेक्षित आवृत्तियों का विकास होगा, तीसरा ऑप्शन है ए व दोनों और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कक्षा का वातावरण है वह आपका प्रजातांत्रिक वातावरण होगा, तो उससे आपका जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा एवं इसके साथ साथ उनमें अपेक्षित आवृत्तियों का विकास भी होगा, इससे वे बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? पहला ऑप्शन है भाषा और विज्ञान को समेकित करना, नेक्स्ट है आपका वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक साथ करना और तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में
समानता ज्ञात करना, और लास्ट ऑप्शन है आपका सामने तथ्यों सिद्धांतों को आपस में उनमें संबंध स्थापित करना। तो पर्यावरण अध्यापन अध्ययन को समग्र रूप से बनाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा, इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। यानी पर्यावरण अध्ययन में सर्वाधिक जो महत्व वास्तविक प्रक्रियाओं का संकल्पनाओं को देना आवश्यक होगा, इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ का विकास होता है। तो यह तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। नेक्स्ट है आपका, यह ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो जो आपका संतुलित आहार में जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं उनका किस लिए आवश्यक होता है, ये आपके पदार्थ शरीर के जो शारीरिक जो अवयव होते हैं उनके निर्माण में ये सहायक होते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी जो प्रोटीन शरीर के अंगों का निर्माण निर्माता या निर्माणक निर्माणकारी माना जाता है, प्रोटीन से ही शरीर का हमारे का निर्माण होता है। और जो आपके जैसे बाल हो गया, बाल का निर्माण जो होता है वो आपकी जो कैरोटीन प्रोटीन होती है उससे इसका निर्माण होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने मानसूनी बायोम, दूसरा ऑप्शन है रूम सागरीय बायोम, तीसरा ऑप्शन है विषुवतीय रेखीय वन बायोम, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने मानसूनी सदाबहारी। तो ये आपके साल, सागौन और जो बांस और शीशम ये जो आपके वृक्ष हैं यह मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा, मानसूनी बायोम। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, खेलने के बाद बालकों में रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा, कि जो बालक कार्य एवं खेल के माध्यम से यानी खेल के माध्यम से जो बालक होता है वह जटिल से जटिल चीजों को सहजता के साथ सीख लेता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थली पौधों की तीन विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन तीन पौधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखता है। पहला पॉइंट जो लिखता है वह, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट लिखता है, इनका तना कठोर होता है। और अंतिम जो तीसरा पॉइंट है वह लिखता है, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में से कौन सी सही है, तो पहली व दूसरी, दूसरी व तीसरी, तीसरा ऑप्शन है आपका पहला व तीसरा, और फोर्थ ऑप्शन है पहली दूसरी तीसरी। तो जो आपके जो मरुस्थली पौधे जो होते हैं उनकी यह तीनों ही विशेषताएं होती हैं कि इन पौधों की पत्तियां बहुत कम या अनुपस्थित होती हैं, इनका तना कठोर होता है और इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। यानी विद्यालय में जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। नेक्स्ट है आपका, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट है, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। और फोर्थ ऑप्शन है,
इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। यानी जो आपकी विद्यालय में जो विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाएं जो होती हैं उससे बच्चों में सामित्रिक गुण एवं सहभागिता का विकास होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रश्नता उसको तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं, फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षक के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। यानी एक शिक्षक कब अधिक प्रसन्न होगा पढ़ाते समय, यानी उसको कब अच्छा लगेगा, तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा कि शिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना इस बात को बताता है कि आपके जो छात्र हैं उनमें ज्ञान का कितना संचार हो रहा है, और इस चीज को देखकर एक शिक्षक जो होता है वह शिक्षक अधिक प्रसन्नता महसूस करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।